ये आप देख सकते हैं, मैंने पेन ड्राइव अटैच कर दिया है मशीन से, और इसके बाद आपको राइट साइड में जो डॉक्यूमेंट बॉक्स यूएसबी बटन लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसा ऑप्शन दिखाएगा, तो आपको यूएसबी पर सिलेक्ट करना है। फिर ये आप पेन ड्राइव देख सकते हैं, पूरा पेन ड्राइव आ गया है, फोल्डर फाइल सब दिख रही है आपको। यहाँ से आपको जो भी फोल्डर में स्कैन करना है उसको करना है। फिर यहाँ से आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, कौन सा रेजोल्यूशन में आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, अल्ट्रा फाइन जो भी हो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर फंक्शन मेनू है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप दूसरे ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको इमेज बढ़िया कर सकते हैं। ये ओरिजिनल साइज़ है, यहाँ पे आपने जो भी मशीन के अंदर पेपर रखा है उसकी साइज़ सिलेक्ट करनी है, और यहाँ से स्कैन रेजोल्यूशन है, और ओरिजिनल इमेज में जो भी आपने डॉक्यूमेंट रखा है, फ़ोटो है, टेक्स्ट पेपर है, जो भी हो उसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ से अल्ट्रा फाइन जो भी रेजोल्यूशन आपको सेट करना है वो कर सकते हैं। ये कंटिन्यू स्कैन है, यहाँ से आप ऑन करके आप एक साथ 50-100 डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद आपको एंड स्क्रीन करना होगा तो सारे डॉक्यूमेंट पेन ड्राइव में सेव हो जाएंगे। यहाँ पे फाइल फॉर्मेट, आपको कौन सी फाइल में जो डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं वो चाहिए, PDF है, JPEG है, जो भी है। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट के नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे डेंसिटी है, आपको नॉर्मल डार्कर कैसी इमेज चाहिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टूप्लेक्स है, अगर पेपर दोनों साइड है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके वो दोनों स्कैन कर सकते हैं। ये शार्पनेस है, यहाँ से आप उसको प्लस माइनस करके इमेज अच्छी कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट में भी ऐसा है। फिर आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट स्कैन होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट स्कैन हो रहा है। फिर आपको एंड स्कैन पर क्लिक करना है, इससे वो जो फाइल स्कैन हुई है वो कंप्यूटर यूएसबी के अंदर सेव हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप सेव हो चुकी है। अगर आप PDF इस्तेमाल करके स्कैन करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर ये ऐसा ऑप्शन दिखेगा और आपको सारे पेपर PDF में रख देने हैं, इस तरीके से जितने भी आपको स्कैन करने हैं सारे यहाँ पे रख देना है। और अगर पेपर दोनों साइड है तो ये डुप्लेक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे डुप्लेक्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हैं, दोनों साइड सिलेक्ट कर लोगे तो दोनों तरफ पेपर स्कैन करके USB के अंदर सेव हो जाएगा। और यहाँ पे आप स्टार्ट बटन क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हैं सारे पेपर स्कैन होना शुरू हो जाएंगे, एक एक करके पेपर दोनों साइड स्कैन हो जाएंगे। और मैंने 400 रेजोल्यूशन सिलेक्ट किया है, इसके लिए पेपर बहुत स्लो स्कैन हो रहे हैं, HD में स्कैन हो गए, ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ स्कैन करके सेव हो जाएंगे आपके पेन ड्राइव में। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ सेव हो रहे हैं। और जब आप एंड स्क्रीन पर बटन क्लिक करेंगे तो ये सारे जो स्कैन हुए हैं वो पेन ड्राइव, आप वो सेव हो रहे हैं। HD स्कैन हुआ, इसके लिए मतलब टाइम लग रहा है, 6 पेपर मैंने स्कैन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे हम बहुत सारे वीडियो रखने वाले हैं Coursera 2040 DN के, Coursera 2040 DN के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।